how are you today we have discussed life processes part 3 human digestive system class 10th before we start digestive system first of we know what is digestion digestion is the process in which conversion of complex food substances into simple forms and that process is called as digestion इट इज़ कैड आउट बाई आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाई मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे यह डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में काम करता है स्टूडेंट्स जैसा कि आपको यह डायग्राम दिख रहा है आप देखें हमारी बॉडी में बहुत सारे आर्गन होते हैं लीवर आई किडनी लंग्स स्टमक एंड ऑन लेकिन क्या लगता है आपको कि सारे ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं नए स्टूडेंट्स कुछ आर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं जैसे आई है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स सबसे पहले ऐसे आर्गन को हम देखेंगे जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल है अस सी डेट सो सबसे पहला आर्गन है आपका माउथ ऑब्वियसली फूड सबको सबसे पहले माउथ में डालते हैं तो डैट इज द फर्स्ट आर्गन डैट कंट्रीब्यूट टू डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ को हम बकल कैविटी भी कह सकते हैं इन साइड द माउथ आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके तीत पाए जाएंगे और एक फ्री मुझ, फ्रीली मोवेबल आपका टंग्स होता है प्रत्येक टीथ जो होगा आपका वह एम्बेडेड होगा सॉकेट ऑफ जामुन एंड सच टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कार्ड थीकोडोंट्स मनुष्य में दो तरह के तीत होते हैं एक तीत जो होता है जिसको हम बोलते हैं मिल्की टीथ एंड जो सेकेंड होता है उसको बोलते हैं हम परमानेंट टीथ क्योंकि ह्यूमंस में टू टाइप्स के तीत पाए जाते हैं इस तरह के डेंटाइटिस डेंटाइसन को हम बोलते हैं डाई ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ टीथ होंगे आपके थर्टी टू आपके फोर टाइप्स के होते हैं इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर and their dental formula is two one two three upon two one two three into 2 Teeth are responsible for mastication and chewing of food. The hardest part of teeth are known as enamels. जो hardest part होगा teeth का उसको हम बोलते हैं enamels. फिर आप देखते हैं कि mouth से एक pipe like structure जा रहा होता है उसको हम बोलते हैं Usofagus. ओसोफेगस से एक आप देखेंगे कि उस पाइप से ही एक दूसरा आर्गन अटैच होता है और उस आर्गन को हम बोलते हैं स्टमक और यह आपका जे सेप का होता है फिर स्टमक ओपन होता है एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में डेट हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्मॉल इंटेस्टाइन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में फिर लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम से कनेक्ट होता है और फाइनली यह एनस से कनेक्ट होता है और एनस से ही अनडाइाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं जब आप फूड्स माउथ में डालते हैं तो वह ऊसो से होते हुए स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड फाइनली एनस से बाहर आपका रिलीज होता है तो यह स्टूडेंट जो यह पूरा पाथ है इस पूरे पाथ को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं स्टूडेंट्स यहाँ जो फूड पाइप है फूड पाइप से भोजन नीचे जाता है यहाँ पर एक और पाइप होता है उस पाइप को हम बोलते हैं विंड पाइप देखो क्या होता है माउथ से केवल फूड ही नहीं लेते हैं माउथ से कुछ एयर भी अंदर जाती है तो आप ये सोच रहे होंगे कि एयर मेनली नोज़ के थ्रू ही इंटर जाता होगा डैट इज़ द रिस्पायरिरी सिस्टम उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फूड को जाने के लिए बॉडी के अंदर फूड पाइप होता है और एयर को जाने के लिए आपका विंड पाइप होता है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि जो विंड पाइप होगा वह हमारे फ्रंट्स यानी पहले होता है और फूड पाइप जो होता है विंड पाइप के पीछे होता है यानी हम कह सकते हैं कि फूड पाइप बिहाइंड विंड पाइप यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो उसको फूड पाइप से नीचे आना है यानी दे हैव टू मैकेनिज्म कि वह फूड पाइप से कि वह विंड पाइप से ना जाए यानी फूड पाइप को फूड फूड को फूड पाइप से जाना है और विंड को विंड पाइप से जाना है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज ईपिग्लॉटिस और वह ईपिग्लॉटिस आपका इंश्योर करता है कि फूड पाइप से फू फूड जो है आपका विंड पाइप में ना जाए लेटस्ट हम डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी आपका कंजस्टेड होता है बहुत ही लंबा होता है लगभग इसका जो मेजरमेंट होगा लगभग सिक्स मीटर लॉन्ग होता है एंड उससे भी ज़्यादा हो सकता है तो आप सोच रहे होंगे कि यह हमारे बॉडी में फिट कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यह मोटा नहीं बल्कि थिन होता है और हाईली क्वाइल्ड होता है और इसलिए यह कंजस्टेड होता है अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यह छोटा होता है लगभग आपका 1.5 मीटर लंबा होता है यहाँ आपको एक डाउट होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा है लेकिन उसमें हम इस उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं और जो लार्ज इंटेस्टाइन है छोटा है उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं तो उल्टा हो रहा है ना यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल बोलते हैं क्योंकि उसकी हम वीट्स जो होती है कम होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की जो वीट्स होती है ज़्यादा होती है यानी हम वीट्स को ध्यान में रखकर नाम दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन न कि लंबाई के आधार पर एक और बात स्टूडेंट्स जो एलिमेंट्री कैनाल का जो टोटल लेंथ है वह टोटल लेंथ आपका लगभग नाइन मीटर होता है यानी यह या बहुत लंबा डिस्टेंस है और उतना डिस्टेंस फूड आपका ट्रेवल करता है स्टूडेंट्स आप देखेंगे बिलो द लार्ज इंटेस्टाइन एक छोटा सा आपका आर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स ये भी आपका टेक्निकली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है लेकिन इसका कोई खास यूज़ नहीं होता है इनफैक्ट ये कभी कभी ट्रबल भी करता है फूड जब पास करता है तो फूड का कोई पार्ट इसमें फंस जाता है तो यह स्टमक में बहुत पेन होता है इसलिए क्या होता है कि किसी भी कारण से यदि आपके पेट का ऑपरेशन हो रहा है तो डॉक्टर कभी कभी इस आर्गन को बॉडी से अलग कर देता है ताकि फ्यूचर में इससे कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि इसका आगे कोई यूज नहीं होता है ये बात हो गई कुछ इम्पॉर्टेंट्स आर्गन की अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आएगा कि कैसे फूड जो है आपका फूड पाइप के थ्रू एंटर करता है तो इंटर करने के लिए यहाँ पर एक तरह का मूवमेंट्स होता है डेड्स मूवमेंट्स आर नोन एज पेरी स्टार्टिंग मूवमेंट्स आप देखोगे कि जो फूड आपने खाया वह फूड पाइप से होकर नीचे आता है तो या कैसे नीचे आता है ये फूड पाइप टाइट होती है लूज नहीं होता है इस पाइप में कि जो मसल्स होंगी उस मसल्स में आपके रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से ही फूड नीचे आता है और इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स हियर द मेजर रोल प्ले इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज फिंटर्स एन एस पर देखो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल निकलता है लेकिन हर टाइम वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता है जब वेस्ट मटेरियल निकलना होता है तभी निकलता है तो क्या होता है इस बात को समझिए इस फिंकटर जो है वरिंग टाइप सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और यह नॉर्मली क्लोज रहते हैं जब ओपन होगा तभी फ्लो हो तभी फ्लो बाहर की तरफ आएगा इसका इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि अगर यह नहीं होता तो हर हम टाइप हम हर टाइम स्क्रीट करते रहते हैं जनरली वह बंद रहता है जब हम बाथरूम जाते हैं तब यह ओपन होता है और फिकल मेटल बॉडी से बाहर रिलीज होता है इस टाइप के स्पिंगटर पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हर जगह पाए जाते हैं बहुत जगह पाए जाते हैं स्टमक के बिगनिंग में भी इस्टमक के एंड में भी इस्टमक के एंड पर भी आपके स्पिक्टर होते हैं यहाँ पर भी जब फूड आता है तो स्टमक में तीन से चार घंटे रहता है यहाँ पर वेरियस प्रोसेस होते हैं उसको आगे हम देखेंगे इस तब तक बंद रहता है जब तक स्टमक में जो भी प्रोसेस हो रही है कंप्लीट ना हो जाए लेटर ऑन स्फिंगटर ओपन होता है और फूड स्टमक से मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है अब जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं और डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ़ फूड्स सबसे पहले आपका ग्लैंड जो होता है वह ग्लैंड्स आपका होता है सिलेबरी ग्लैंड सिलेबरी ग्लैंड इट इज नॉट ए सिंगल ग्लैंड बट इट इज ए ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स और वह बेसिकली आपका माउथ में प्रेजेंट होता है सिलेबरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा और इस सलाइवा में आपके सिलेबरी एमाइलेज एंजाइम्स होते हैं एंड डैट सेलेबरी एमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू माल्टोज दूसरा आपका जो डाइस्टू ग्लैंड है लीवर यह भी आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है स्टमक के बगल में होता है स्टमक का जो वेट होगा लगभग 1.2 टू 1.5 वन पॉइंट के जी एडल्ट ह्यूमस में होता है लीवर आपका एक ग्रीनिश फ्लूड सी करता है डेट जूस आर नॉन एज बाइल जूस यह बाइल जूस गाल ब्लडर में स्टोर होता है और यह फिर बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में चला जाता है नाउ थर्ड ग्लैंड पैंक्रियाज पेंक्रियाज अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो पैंक्रियाज हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा बिकॉज यह स्टमक की आपका पीछे होता है पैंक्रियाज को हम कॉमनली मिक्स ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज ये इग्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन करता है पैंक्रियाज में आपके पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होते हैं और इसमें आपके तीन तरह के एंजाइम सिक्रेट होते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज ये सारे आपके एंजाइम सिक्रेट होते हैं बेसिकली जो मेन आपके एंजाइम्स हैं इंसुलिन ये आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करते हैं लेटर रन हम लोगों ने आज सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया तो आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज बनता है आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम में जो भी कलर्ड पार्ट हैं उस कलर्ड पार्ट के सामने आपको उसका नेम आइडेंटिफाई करना है और उसको लिखना है ये आपका होमवर्क है थैंक यू